Assalam-o-Alaikum viewers, मैं हूं आपका होस्ट अहमद अनीफ और आप देख रहे हैं मिस्टर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में देखेंगे। उर्दू का पेपर प्रेजेंट करने के भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन उन तरीकों में से एक तरीके के बारे में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि पेपर प्रेजेंट करने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो चीज़ें ये हैं। एक लार्ज स्केल साइड मार्जिन लगाने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लगाया हुआ है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कट मार्कर 605 मेन हेडिंग्स वगैरह के लिए, और उसके बाद ये 604 ये सब हेडिंग्स वगैरह के लिए। जैसे आप देख सकते हैं ये जिस तरह मैंने शेर लिखा है या फिर ये हिस्सा नज़म लिखा है सब हेडिंग्स वगैरह। उसके बाद ये भी कट मार्कर है 605, लेकिन आप देख सकते हैं इसे मैंने ना सेंटर से कट किया हुआ है। ये वो देखें, सेंटर से ना टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, इसे डबल मार्जिन लाइन आते हैं। उसके अलावा ये स्मॉल स्केल, ये हमारे पास हेडिंग्स वगैरह को अंडरलाइन करने के लिए, और उसके अलावा ये आपके पास इंक पेन। ऑब्वियसली इंक पेन होगा तो ही आप आंसर लिखेंगे ना, आंसर लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। जितनी मर्जी पेपर प्रेजेंटेशन कर लें, जब तक आपको आता नहीं होगा तब तक आपके मार्क्स नहीं आएंगे, इसलिए ये पेन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये इंक पेन, तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलें प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इंशाया तर्ज की हेडिंग दिया मैंने। बोर्ड के एग्जाम्स में आप देखते हैं कि टेस्ट सेशन जो हमारा होता है उसमें बच्चे सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं, जो भी नाम है आपका। तो आपने ऐसा नहीं करना है, इसलिए नहीं करना क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आपका जो नाम है वो सबसे फर्स्ट शीट पे आना है। तो इसलिए जो आपने वहाँ से स्टार्ट करना है तो आपने सबसे पहले जो आंसर शीट में लिखना है वो लिखना है इंशाया तर्ज। इंशाया तर्ज लिखने के बाद उसके बाद एक लाइन आपने छोड़ देनी है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपने नीचे लिखना है हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम या जो उन सभी हिस्से हैं। मिसाल के तौर पर हिस्सा अव्वल है, हिस्सा अव्वल लिखने के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद लिखना है सवाल नंबर, जो उन सभी सवाल नंबर है। मिसाल के तौर पर मैं सवाल नंबर 2 कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिख दिया सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 2 किस बारे में? अशार की तशरी। वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में उसने लिखा होगा दर्ज़ेल अशार की तशरी करें। अब आपने इतना लंबा सवाल लिखने नहीं बैठ जाना कि दर्ज़ेल अशार की तशरी करें, इतना टाइम नहीं होता। तो आपने सबसे पहले उसमें से की पॉइंट लिख देना। अब क्या क्वेश्चन? अशार की तशरी, तो यहाँ पर आप मेन हेडिंग दे दें अशार की तशरी। अशार की तशरी ये मेन हेडिंग है, तो आप ये 605 मार्कर से लिखें। तो मेन हेडिंग देने के बाद आप एक लाइन छोड़ें। अब अशार की तशरी में भी आपके पास 2 किस्म के शेर आते हैं, एक हिस्सा नज़म से और कुछ शेर हिस्सा गज़ल से। अब आप हिस्सा नज़म अटैम्प्ट कर रहे हैं तो हिस्सा नज़म की हेडिंग दें। उसके बाद मिसाल के तौर पे पहला शेर ये है, फातमा तो आबर उम्मत मरहूम है, ज़र्रा ज़र्रा तेरी मुश्त खाक का मासूम है। ये शेर लिखें। शेर लिखने के बाद आपने नीचे लिखना नज़म का उनवान। नज़म का उनवान क्या है? ये किस नज़म से मतलब ली गई है, ये जो शेर है ये किस नज़म से लिया गया। तो ये शेर लिया गया फातमा बिनते अब्दुल्ला से, तो ये लिख दिया। उसके बाद शायर का नाम क्या है? तो शायर का नाम था मोहम्मद इकबाल। तो ये लिखने के बाद अब आपको पता है जो शेर की तशरीह है वो आपके पास होती है 2 मार्क्स की। तो आधा नंबर नज़म का उनवान लिखने का होता है, आधा नंबर शायर का नाम लिखने का, और उसके बाद एक नंबर की तशरीह। तो शायर का नाम लिखने के बाद आपने नीचे मफहूम की हेडिंग देनी है, और मफहूम आपका ये होता है कि जो शेर है वो किस बारे में है। तो मफहूम आपका तकरीबन 1 से 1.5 लाइन में आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। मफहूम लिखने के बाद आपने तशरीह की हेडिंग दी। अब ये आप देख सकते हैं तशरीह का ये मैंने, तो तशरीह के लिए आपके पास आप देखें तो तशरीह के लिए तो ये देखें मैंने लिखा है कि तशरीह तलब शेर में शायर अल्लामा इकबाल फातमा बिनते अब्दुल्ला को खराज तहसीन पेश करते हुए कहते हैं कि, जो भी शेर में कहा है वो आप लिखें। और उसके बाद तशरीह होनी चाहिए आपकी 8 से 10 लाइनों की, इनफ है 8 से 10 लाइनें। तो उसके बाद जब आपने एक शेर लिखा उसके बाद एंडिंग लाइन नहीं लगानी, फिर दूसरा शेर लिखना है, तीसरा शेर, इस तरह 5 शेर की तशरीह करनी होती है, 5 अशार की। तो 5 अशार की जब आप तशरीह कर लें, मतलब पूरा सवाल अटैम्प्ट कर लें, तो उसके बाद आपने एंड पे एंडिंग लाइन लगानी है। उसके बाद अगला सवाल अटैम्प्ट करना है। मिसाल के तौर पर अगला सवाल है सवाल नंबर 3, तो आपने हेडिंग देनी है सवाल नंबर 3 की। उसके बाद सवाल नंबर 3 लिखने के बाद आपको पता है सवाल नंबर 3 किस बारे में है, वहाँ पे लिखा होगा दर्ज़ेल मुख्तसर सवालात के जवाब दीजिए। तो अब किस बारे में सवाल के मुख्तसर जवाब देने हैं,
तो आपने हेडिंग दे देनी है मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। अगर आप इससे भी शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट लिख दें कि मुख्तसर जवाबात, तो समझ आ जाएगी एग्जामिनर को कि किस बारे में सवाल। उसके बाद उसके भी आगे से पार्ट्स होंगे, तो सबसे पहला पार्ट समझिए आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले पार्ट में उसने लिखा होगा कि बरसे हुए बादल से क्या मुराद है, या नज़म फातिमा बिनते अब्दुल्ला में बरसे हुए बादल से क्या मुराद है। अब इतना लंबा सवाल आप अगर लिखने बैठ जाएंगे तो आपका इससे टाइम ज़ाया होगा, तो आपने उसमें से भी हेडिंग बनानी है। हेडिंग से एक तो आपका क्वेश्चन भी प्यारा लगेगा जो आंसर लिखा हुआ है, इससे अच्छा, इससे आपका अच्छा इफेक्ट जाएगा एग्जामिनर पे। तो आपने उसमें से हेडिंग बनानी है, जैसे बरसे हुए बादल, बरसे हुए बादल हेडिंग दी, उसके बाद जवाब लिखा। जवाब लिखने के बाद अब आपने मिसाल के तौर पर ये अगला सवाल किया, तो ये देखें अगला सवाल है कि शायर ने फातिमा बिनते अब्दुल्ला को किस तरह खराज तहसीन पेश किया है। तो आपने हेडिंग दी शायर का खराज तहसीन, पूरा सवाल नहीं लिखना, आपने लिखा शायर का खराज तहसीन, उसके बाद शायर का खराज तहसीन लिखने के बाद आपने जवाब लिखा। अब जवाब लिखने के बाद आप देख रहे हैं मैंने एक लाइन छोड़ी है, ये लाइन आपने लाजमी छोड़नी है, इससे वो आपस में आंसर मैच हो जाते हो अच्छा नहीं लगता, तो आपने ये लाइन छोड़नी है। उसके बाद अगला पार्ट नंबर लिखना, और उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन था अगला कि मिर्ज़ा साहिब की किन दो कौमी शख्सियात के साथ अजीज़दारी थी। अब इतना लंबा सवाल नहीं लिखना आपने, फिर उसमें से हेडिंग बनानी है, आपने लिखना मिर्ज़ा साहब की अजीज़दारी। अब मिर्ज़ा साहब की किन दो के साथ थी, वो आंसर लिख दिया। इस तरह आपने पाँच या पता नहीं आठ में से, हाँ जी आठ में से पाँच अटैम्प्ट करने होते हैं, तो इस तरह जब आप पाँच अटैम्प्ट कर लें फिर एंड पर इस तरह आप एक एंडिंग लाइन लगा दें। तो उसके बाद आप ये देखें कि उर्दू के पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए आप कुछ बच्चों को देखते होंगे कि वो क्वेश्चन नंबर लिखा है, मतलब ये हेडिंग दिया, आप देख रहे हैं ये हेडिंग दिया, उसके बाद वो डबल मार्जिन लाइन डबल अंडरलाइन करते हैं। आप देख रहे हैं मैंने ये सिंगल अंडरलाइन किया है ना, तो कुछ बच्चे डबल अंडरलाइन करते हैं, तो इतना तो टाइम ही नहीं होता। तो आपको पता है ये जो आपकी शीट के ऊपर ये जो लाइन आ रही है ना, ये शीट के ऊपर ही, तो ये जो आपकी शीट के ऊपर आप ये देख सकते हैं ये लाइन, जो शीट के ऊपर लाइन है उसी आपने मार्कर से ना, स्केल की भी नहीं आपको जरूरत पड़ेगी, मतलब आपने लिखा मिर्ज़ा साहब की अजीज़दारी, उसी टाइम आपने ये मार्कर से पकड़ा, उसको यूं अंडरलाइन कर दिया, तो आपकी एक तो लाइन भी नहीं टेढ़ी होगी क्योंकि ये आपको पता स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसी के साथ साथ अंडरलाइन कर दिया, टाइम भी आपका बच जाएगा और पेपर भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए उर्दू के पेपर की आपने इस तरह प्रेजेंटेशन करनी है। उसके बाद एंडिंग लाइन लगाने के बाद आप ये देखें मिसाल के तौर पर अगला सवाल है सबक का खुलासा। अब सबक के खुलासे में उसी तरह आपने सवाल नंबर लिखा, साथ ही अंडरलाइन कर दिया, एक लाइन छोड़ी, हेडिंग दी के किस बारे में सवाल, तो सबक का खुलासा लिखना था तो सबक का खुलासा की हेडिंग दी। उसके बाद सबक कौन सा था, तो वो उसने क्वेश्चन में दिया होगा, तो मिसाल के तौर पे आपका सबक था मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, तो ये आपने मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ की हेडिंग देने के बाद मुसन्निफ का नाम लाजमी लिखना है। तो खुलासा आपके पास होता है पाँच नंबर का, पाँच नंबर के खुलासे में से एक नंबर आपका होता है मुसन्निफ का नाम लिखने का, बाकी चार नंबर का खुलासा होता है। तो चार नंबर का खुलासा जो आपने लिखना है वो आपके सबक के लिहाज से होता है, तो खुलासे की जो लंबाई है वो सबक के लिहाज से होती है, मतलब इस तरह होती है कि दो तिहाई आपने लिखना होता है। तो आपको पता बुक में तो आपका छोटा छोटा लिखा होता है उर्दू, तो अगर आप शीट पे लिखें मिसाल के तौर पे पूरा सबक शीट पे लिखें तो वो आपके पास आया है छः पेजों पे, अगर वो आपके पास छः पेजों पे आया तो उसका दो तिहाई बनेगा दो पेज, तो मतलब छः पेजों का अगर आपका सबक है तो आपने दो पेजों का उसका खुलासा लिखना है। तो इस तरह ही आपने सारे इस बाग का खुलासा लिखना है। तो उसके अलावा इंशाल्लाह आप कमेंट करके बताइएगा तो मैं आपको पूरा उर्दू का पेपर प्रेजेंट करने का तरीका भी बता दूंगा और किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए वो भी आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।